दोस्तों, भारत एक और ऐसा परीक्षण करने वाला है जिस पर चीन की काफी कड़ी नजर होगी। बड़ी बात तो यह है कि इस मिसाइल के तहत हम हमारी ऐसी मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं जो चीन के लिए अब तक का सबसे बड़ा सिरदर्द है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर तेजस विमान के नेक्स्ट जनरेशन और सबसे एडवांस वर्जन मार्क 2 को लेकर है, जो भारत के फोर्थ जनरेशन फाइटर फ्लीट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों ही डिफेंस से जुड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अब एक नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटाम जारी किया है, जिसके तहत भारत 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में मिसाइल परीक्षण करेगा और इसके लिए 2000 किलोमीटर के इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। इस रेंज को देखकर लगता है कि यह परीक्षण किसी और मिसाइल का नहीं बल्कि भारत की अग्नि मिसाइल के सबसे एडवांस और लेटेस्ट वर्जन अग्नि प्राइम का हो सकता है। किसी 3 मंजिला इमारत से भी ऊंची अग्नि प्राइम मिसाइल का वजन 11,000 किलोग्राम का है और ये अपने साथ 1500 किलोग्राम से लेकर 3000 किलोग्राम तक के परमाणु समेत कन्वेंशनल हथियार ले जा सकती है। पर इस मिसाइल के बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर MIRV क्षमता मौजूद होगी, जो इसे काफी ज्यादा खतरनाक बनाती है। एक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से इसकी 2000 किलोमीटर की रेंज के साथ हम चीन के बेहद ही महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस को निशाना बना सकते हैं, जो चीन के लिए इसे सबसे बड़ा खतरा बनाता है। साथ ही अग्नि प्राइम मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम भी पिछली मिसाइल के मुकाबले काफी एडवांस है। वहीं इसके अंदर कुछ कंपोजिट मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि इसे दुश्मन के रडार से बचाया जा सके। वहीं इस मिसाइल में एक और बड़ी खूबी यह है कि इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मोबाइल ट्रक कैरियर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे हम इसे पहाड़ी इलाकों में ले जाकर सीधे सीमा पर से चीन के काफी अंदर तक दाग सकते हैं। और इसकी मोबिलिटी ही अग्नि प्राय मिसाइल को सबसे शक्तिशाली और खास बनाती है। ऐसे में जब भारत अपनी इतनी महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण अगले कुछ ही दिनों में करने वाला है, तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि चीन इसमें इंटरेस्ट जरूर लेगा। हमने कुछ समय पहले ये न्यूज कवर की थी कि चीन का एक रिसर्च वेसल Xi-6 सिंध महासागर में मौजूद है, जिसके अंदर काफी एडवांस उपकरण लगाए गए हैं। ये रिसर्च वेसल हिंद महासागर में तरह तरह की रिसर्च एक्टिविटी को अगले 80 दिनों तक अंजाम देने वाला है। ऐसे में हमारे मिसाइल परीक्षण के ठीक पहले चीनी जहाज का मौजूद होना चिंताजनक है। बता दें कि ऐसा कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बार चीन अपने जासूसी जहाज भारत के एडवांस न्यूक्लियर मिसाइल के परीक्षण के पहले हिंद महासागर में भेज चुका है, जो कई बार तो भारत के काफी नजदीक आकर भी खड़े हो गए थे, जिसका भारत ने काफी विरोध किया था। दोस्तों, चीनी नौसेना के जासूसी जहाज हमारे लिए हर दिन अब बड़ी चुनौती ला रहे हैं, जिससे हमारे मिसाइल परीक्षण का डाटा चोरी होने का खतरा है। ऐसे में इस परीक्षण से पहले भी क्या चीन अपने जहाज को भारत के नजदीक भेजता है या फिर नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर तेजस विमान को लेकर है, जिसके तहत अब आडा की तरफ से काफी विश्वसनीय अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि दिसंबर 2024 तक तेजस मार्क 2 विमान की पहली उड़ान हम सभी देख सकते हैं। और ये अपडेट इतनी बड़ी है कि इससे ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी गतिविधि देखी जा सकती है। दोस्तों, तेजस मार्क 2 तेजस का एक ऐसा वर्जन है जो तेजस से 20% बड़ा होने के साथ साथ ज्यादा रेंज रखता है, ज्यादा हथियार अपने साथ ले जा सकता है और एडवांस सेंसर से भी लैस है। मतलब तेजस मार्क 2 हर मामले में तेजस से ज्यादा अच्छा और सक्षम होने वाला है। ऐसे में भारतीय वायुसेना, जिसके पास चौथी पीढ़ी के विमान की रिटायरमेंट हमेशा होती है, उसके लिए तेजस मार्क 2 सबसे बेहतरीन विमान हो सकता है, जो कि हर तरह से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकेगा। साथ ही हाल ही में जब अमेरिकी एयरफोर्स के पास मौजूद F-35 विमान 50% से ज्यादा की संख्या में ग्राउंड कर दिए गए, तब इस बात की प्रमाणिकता हासिल हुई कि आज भी चौथी पीढ़ी के विमान कितने जरूरी है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स शुरुआती दौर में ही तेजस मार्क 2 के 200 फाइटर विमान को अपने साथ सेवा में शामिल कर सकती है। इन विमान को बनाने के लिए 300 से भी ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी एक साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे मेक इन इंडिया और भारत के अंदर डिफेंस इकोसिस्टम की ताकत का भी साफ तौर पर पता चलता है। ये प्रोजेक्ट भारत के फाइटर प्रोग्राम डेवलपमेंट में एक फ्लैगशिप के तौर पर देखा जा रहा है, जो फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में भारत को महारत देगा। वहीं पर हम इसका इस्तेमाल ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो तेजस का सबसे एडवांस वर्जन अगले कुछ ही महीनों में हम सभी के सामने आ सकता है और ये एविएशन के क्षेत्र में भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी
कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस तरह से चीनी जहाज इस समय श्रीलंका में मौजूद है, क्या भारत को अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण इस दौरान करना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।